स्पेशल जो कौमी नगमे होते थे मुझे बहुत कौमी नगमे सुनते हैं। वैसे मुसफ अली ने कहा उस्मा ने तो कुछ क्या ख्याल है सुनाना दे उनसे साहब का मेहंदी साहब का आपस में टॉस कर लें आप। मेरे ख्याल से मैं इनको दावत दे देता हूँ। अच्छा भाभी नोट कर लें आप आते हैं ज्यादा इधर देख रहा हूँ आपने सीट गलत रखी है ना इनको इधर होना चाहिए था मुझे उधर होना चाहिए था ताकि आपके तो भी देखते आपको भी देखते तो ये भी नजर आती। अच्छा उज़्मा जी आपने अभी तक दो फिल्मों में काम किया आपकी पहली फिल्म वार थी उसमें आपने काम किया और उस फिल्म ने तकरीबन कोई 25-26 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। उसके बाद आपने एक और फिल्म में काम किया जवानी फिरनी आनी तो उस फिल्म ने भी कोई 40-45 करोड़ रुपए का हाजिर। तो मुझे ये बताइए क्या कोई लकी चाम है आप लकी मरवत फिल्म पे आप काम कर रही है अभी ऑलरेडी जलगार में तो कहाँ तक पहुँची है 75% कंप्लीट हो चुकी है फिल्म। अच्छा कब तक उम्मीद है ये जलगार होने की इसी साल इंशाल्लाह रिलीज होगी इसी साल हो जाएगी। तो इस पर भी आप उम्मीद कर रही हैं कि फिर आप की तीसरी फिल्म भी हस्बे रवायत कोई रिकॉर्ड तोड़ देगी इंशाल्लाह। उसके बाद आपने आपको अगली कोई लोगों ने अप्रोच कर लिया है ऑलरेडी हमारी फिल्म में आना हम भी चाहते हैं पैसे कोई इस किस्म का हुआ आपके साथ अभी एक दो और प्रोजेक्ट लाइन अप है। अच्छा तो फिल्म साइन करने लगती है क्या चीज उसमें आप देखते कास्ट हीरो देखती हैं अपनी मर्जी को नहीं हीरो क्या मतलब हीरो अपनी मर्जी से नहीं मतलब तो मेरे साथ अभी जो जितनी मैंने दोनों फिल्म की है एक में शांत एक आई थिंक हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं और जो सेकंड फिल्म मैंने की है उसमें आप थे और अहमद तो नहीं आपसे हीरो था नहीं मतलब फिल्म में तो थे ना मतलब कास्ट नहीं, हीरो आपके साथ अलग होता है हीरो अपना होता है अहमद बहुत अच्छे एक्टर हैं ये तो बताइए ये पहली फिल्म में आपके साथ शान थे दूसरी फिल्म में आपके साथ अहमद भट्ट थे तो आपको कैसा महसूस हुआ बहुत अच्छे एक्टर हैं अहमद भट्ट। अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके साथ काम करके बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो पहली फिल्म में आपके शौहर जो थे वो शान बने हुए थे दूसरी फिल्म में आपके शौहर अहमद भट्ट बने हुए थे तो इन दोनों में से किस किस्म का शौहर आप प्रेफर करेंगी मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े नहीं वैसे मतलब और मैं किस चीज के पीछे क्यों चाहते हैं मैं शादी कर लूं नहीं वैसे मैं तो जानना चाह रहा हूं कि आपको कौन सा शौहर ज्यादा पसंद आया। सही बात है सही बात अभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कुछ बताओ आंखें खोलो चाचा ने ब्याह देना कुड़ियां दुध पिया तो चाचा लड़ पाया कहता नाल बाकरदानी लियो बिल्कुल दोनों आए हुए हैं आदा को जमा के लिए वाले। अच्छा ये हमारा गांव है। अच्छा हमारे क्लास पेलो भी है वो हमने दोनों ने डॉक्टरी किया था है? वो 14 नंबर से रह गया था मैं 1400 से तो दोस्ती होगी फिर से बहुत वो हमारा भाई है। अच्छा वो उस मखान से क्या मतलब मेरी सारे फिल्में देखे। अच्छा बड़ ना उम्मीदी हुए है क्यों बोलता नहीं इतना खूबसूरत है टैलेंटेड है मैं फिल्म बना रहा हूँ आप फिक्र नहीं कर लो बस मैं उसमें हीरो है वो अजमा खान हीरो है ने। अच्छा और मेरा बाप का किरदार करेगा शौकत भाई और हीरोइन के बाप का रोल करेगा काला शाह काकू रुक जाओ उनसे पूछ रहे दो जरा उस्मा आपको मंजूर है ये हीरो राजी है मेरा राजी है बस हाँ बहुत मौका मिलेगा बोलने का मतलब के
शान और अहमद भट्ट से आपको नसीहत नहीं मिली थी जो आप इस पे ही मान गई हैं। तुम भी बैठी हुई है, मैंने तुमको देखा नहीं है, आप ध्यान ही नहीं देते। माशाल्लाह आप तो ऐसे लगते हैं जैसे बांदर डूब डूबी पे बैठा। कोई फिल्म का सीन लिखा है, कोई डायलॉग इनके साथ कर लो, प्रैक्टिस कर लो एक सीन। अभी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ ना, ये थोड़ा प्रैक्टिस करा दो। हाँ, तो इधर आपको विलेन लूंगा उसमें। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, तुम जबरदस्त विलेन है। डन। हाँ, उसका कोई सीन नहीं है फिल्म में। आपको बताओ कि अब्बा ये वो लड़की है, अच्छा मैं शादी करना चाहता हूँ, फिर अब्बा उनसे पूछेंगे कि बेटा आप राजी हैं। हाँ ठीक है ठीक है, तुम एक्शन बोलो। ओके एक्शन। फलाद, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, अगर मेरा इससे शादी नहीं होएगा तो मैं गला काटूंगा। उधर गया क्या? मेरे ख्याल से वो जो गला काटने वाला था वो सही था। बल्बन मिला दे को इंशाल्लाह। जब दिल खोल के रोए होंगे, कपड़े अपने ही भिगोए होंगे, लगता है कारोबार में उसने पैसे वापिस ही नहीं बोए होंगे, बीवियां मैं के गई है जिंदगी, लोग आराम से सोए होंगे, वेरी लकी बात। जी तो शौकत साहब और उज्मा तैयार हैं आप? 2020 स्टार्ट करते हैं अपना, पहले आपसे स्टार्ट करूंगा। शौकत साहब ये बताइए, आप किसके कायल हैं, शोहरत के या शराफत के? शराफत। किसको ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है, आशिक को या सियासतदान को? दोनों को। यूजली सियासतदान कहते हैं सियासतदान को, मगर आपने दूसरे की साइड पे ली है, दोनों। तो ये लगता है आप दोनों साइड से डसे हुए हैं। लोगों के दिल जीते जा सकते हैं धरने से या काम करके? धरने से भी और काम से भी। पीटीआई की शोहरत की वजह इमरान खान या गाना बजाना? नहीं, इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। ज्यादा आसान क्या है सर, शादी करना या तब्दीली लाना? दोनों अगर हालात बेहतर हो तो दोनों आसान है। ज्यादा एंटरटेनिंग सियासतदान इनमें से कौन है आपके ख्याल में, शेख रशीद साहब, अल्ताफ हुसैन साहब या कायम अली शाह? मेरे ख्याल से शेख रशीद ज्यादा एंटरटेनिंग है। ठीक सर, किसके जाने पे ज्यादा अफसोस हुआ आपको, जावेद हाशमी, डीजे भट्ट या रेहम खान? जावेद हाशमी। इमरान खान अच्छे खिलाड़ी हैं या अच्छे सियासतदान? देखिए खिलाड़ी अच्छे हैं वो इन्होंने साबित कर दिया है, सियासतदान कितने अच्छे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं, जबरदस्त। जी उज्मा जी आपकी बारी है, ये बताएं ज्यादा एक्टिंग करती हैं फिल्मों में या असली जिंदगी में? फिल्मों में। एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती, उस्तानी या सियासतदान? दोनों। हाउसवाइफ होती। ऐसी लड़कियां करा के पाउडर भेजनी है, ये नया है बाजी। आपके ख्याल में ज्यादा अच्छी मॉडल कौन है, ईमान अली, जिया अली या अयान अली? ईमान अली। ये बताइए कि इनमें से आपके ख्याल में ज्यादा हसीन एक्ट्रेस कौन है, आयशा खान, मायरा खान, महविश हयात या सरवत गिलानी? आयशा खान। ज्यादा बेहतर शोहर आपको कौन लगा, शान या अहमद अली भट्ट? आई थिंक अहमद अली भट्ट। इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन है, हुमायूं सईद, हमजा अली अब्बासी या फिर फहद मुस्तफा? हुमायूं सईद। सर ऐसे आप ये बताइएगा कि इनमें से आपके ख्याल में सबसे खूबसूरत अदाकारा आपको कौन लगती है, महविश हयात, आयशा खान, मायरा खान या सरवत गिलानी? मुझे मायरा। मुझे मायरा। तो सवाल भी नहीं पूरा हो रहा है। तो मैं इशारे वाला पूछता हूँ कि इशारे के हिसाब से इनमें से आपको कौन पसंद है, महविश हयात, सरवत गिलानी या फिर काजल? इशारे से पूछेंगे तो फिर 4.5। सर बताइए इनमें से कौन से इशारे के हिसाब से? मेरे ख्याल से इशारे आना बंद हो गए। बंद हो गए इशारे? दो बीवियां हैं मेरे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे इशारों की अब जरूरत नहीं है। मगर आपने जो जवाब जिस तरह दिया था कि अब हमें भी समझ आ गई है। One, two, three.
मुझे वजीर अला साहब ने कहा कि जाओ संडे बाजार। अच्छा, मैं संडे वेखन तुर गया तो शाम को 3 बजे मुझे पता चला कि इतवार बाजार को कहते हैं संडे बाजार।